वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्काई क्रिप्टो की कोर वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टीटी कॉइन के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं वो यहाँ पे दूंगा, ठीक है। टीटी कॉइन की जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है। हर हफ्ते में जो है टीटी कॉइन के बहुत बड़ी अमाउंट में टोकन जो हैं वो बर्न किए जा रहे हैं। आज की डेट में अगर यहाँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप टीटी कॉइन की प्राइस देखें तो जीरो के बाद तीन जीरोज़ आते हैं, ठीक है। 2131 जो है इसकी करंट प्राइस यहाँ पर चल रही है। अभी अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन अब जिस तरह से इसकी बर्निंग हो रही है, ठीक है, जिस जिस तरह से टीटी कॉइन जो है वो लिस्टिंग होता जा रहा है मज़ीद एक्सचेंजेस पे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल के एंड तक, ठीक है, मतलब 2022 दिसंबर तक ये जो है वो $0.1 तक की प्राइस पे आ सकता है। मतलब ये यहाँ से दो जीरोज है वो क्लिक कर सकता है। यहाँ पे ऑल टाइम का अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इसने ऑलरेडी जो है वो एक जीरो क्लिक कर दिया है अपनी करंट प्राइस से। इसने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 0.0018, ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइस कंटिन्यूसली डाउन चल रही है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी करंट प्राइस देखें तो ये उसी प्राइस पर अभी ट्रेड हो रहा है जहाँ से इसकी प्राइस जो है वो शुरू हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको इनका यहाँ पे अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 घंटे पहले टीटी कॉइन ऑफिशियल की तरफ से यहाँ पे ट्वीट किया गया है कि 2 बिलियन टीटी कॉइन्स जो हैं वो कल जो हैं यहाँ पे बर्न किए गए हैं। 2 बिलियन टीटी कॉइन बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि टीटी कॉइन की टोटल सप्लाई से कल जो है यहाँ पे बर्न की गई है। यहाँ पे मैं आपको इनका जूम करके भी दिखाता हूँ कि आपको पता है कि टीटी कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 5 बिलियन थी, ठीक है, लेकिन 2 बिलियन जो है इसमें कल जो है वो BEP20 की ब्लॉकचेन से बर्न कर दिए गए हैं, ठीक है। तो करंट जो इनकी अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई बचती है, ठीक है, वो है सिर्फ 1 बिलियन, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं 1 बिलियन है और टोटल जो इनकी सप्लाई बचती है वो 3.8 बिलियन है। बाकी जितने भी टीटी कॉइन्स हैं वो सारे के सारे बर्न कर दिए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BSC स्कैन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि टीटी कॉइन की जो टोटल सप्लाई बचती है वो सिर्फ 2.3 बिलियन ही टोटल जो है इसकी सप्लाई बचती है, ठीक है, लेकिन सर्कुलेटिंग में अभी जो है इसकी इससे भी हाफ जो है वो सप्लाई बचती है। 18,256 जो है इसके होल्डर्स हो चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैंने इसके हवाले से वीडियो बनाई थी तब आई थिंक इसके जो थे वो 8 या फिर 10,000 ही होल्डर्स थे, लेकिन अब जो है अब इसके 18,000 से ज़्यादा जो है वो होल्डर्स हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है होल्डर्स की। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टीटी कॉइन बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और रियल प्रोजेक्ट है, क्योंकि अब जो है इसने टीटी कॉइन रिवार्ड ऐप से भी जो है वो सबको विड्रा सेंड कर दिया है, ठीक है, जिन्होंने सही एड्रेस पे किया होगा, लेकिन जिन्होंने किया ही गलत एड्रेस पे हो तो उनको जो है इसका विड्रा रिसीव नहीं होगा। बाकी रियल प्रोजेक्ट इसलिए है कि दोनों ऐप से जो है हमें विड्रा जो है इसका रिसीव हो चुका है, और अब जो इसकी कोर टीम है वो मजीद जो है इनके टोकन यहाँ पे बर्न कर रही है ताकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो, इसकी टोटल सप्लाई कम हो और इसका मार्केट कैप इंक्रीज करे ताकि इसकी प्राइस जो है वो जल्द से जल्द $1 तक जो है वो लाई जाए।